अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जितने भी मैंने उनवान आपको उर्दू कवायद के पढ़ाए हैं, मुझे उम्मीद है वो आपके सब समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जमा सोम के उर्दू कवायद का उनवान इसम पढ़ेंगे। बच्चों, आप पिछली जमातों में इसम पढ़ चुके हैं, आज मैं इसम के बारे में आपको दोबारा से समझाती हूँ, नई वजाहत देती हूँ कि इसम किसे कहते हैं। बच्चों, अंग्रेजी में आपको समझाया गया होगा इसम किसे बोलते हैं, नाउन को। किसी भी चीज के नाम, जगह, जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम। यानी किसी का भी नाम हो, जगह का, जानवर का, तो हम उसे क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। इसम किसी भी चीज़, जगह, शख्स और जानवर के नाम को इसम कहते हैं। यानी आपके पास अगर घर में बिल्ली है तो बिल्ली क्या है, जानवर है, तो उसका नाम क्या है, हम बिल्ली कहते हैं। और कोई भी चीज़ है, जैसे आपके घर में मेज़ है, कुर्सी है, अलमारी है, किताब है, ये सब क्या है, चीज़ें हैं, तो वो क्या हो गई, इसम। ठीक है। जगह, आप जैसे कराची में रहते हैं, जगह आप कराची में रहते हैं, लाहौर है, हैदराबाद है, ये क्या है, इसम जगह के नाम है। जैसे है मसलन अहमद, कराची, शहर, बिल्ली, मेज़, किताब वगैरह। यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे, इसम। अब आपको मैंने चीज़ समझा दी, चीज़ में क्या हो गया, कुर्सी, मेज़, अलमारी वगैरह। ठीक है। जगह में क्या हो गया, लाहौर, कराची, हैदराबाद वगैरह। ठीक है। अब शख्स का नाम, जैसे आपका नाम फ़र्ज़ करें आमना है, तो नाम में क्या हो गया, आमना। आपके भाई का नाम अगर अहमद है तो क्या नाम है, अहमद, निदा। शख्स के नाम को भी क्या कहते हैं, इसम। किसी भी चीज़ की, जगह, जानवर, शहर, जो भी चीज़ है, उसको हम क्या कहेंगे, इसम। अब जानवर में क्या हो गया, बिल्ली, कुत्ता और हाथी, तो ये क्या है, इसम है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये इसम समझ में आ गया होगा। आप इस मश्क की, यानी इस वजाहत को बार बार सुनिए और इसको अपनी कापी में, सिर्फ आपको ये वजाहत लिखनी है इसकी, यानी तारीफ लिखनी है, आपको ये सब कुछ नहीं उतारना, सिर्फ आप ये वजाहत उतारेंगे और ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाया है, ये आप ये सब कुछ नहीं उतारेंगे अपनी कॉपी में। और आगे हम अब इसकी मश्क करेंगे, तो वो आप अगली जमात में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पहली जमात में मैंने आपको इसम के बारे में समझाया था कि इसम क्या होता है। आपको समझाया था कि इसम किसी भी चीज़, जगह, जानवर के नाम को हम इसम कहते हैं। अब बच्चों, हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मंदरजा ज़ैल जुमलों में से इसम अलग करें। अब ये जुमले दिए गए हैं बच्चों, इन में से आपको क्या करना है, इसम अलहदा करने हैं। लड़के ने शोर मचाया। अब आप इसमें से ये बताएंगे कि इसमें इसम क्या है। तो बच्चों, इसमें इसम है लड़के, तो आप यहाँ पर लड़के लिख देंगे। ठीक है। अब नंबर दो है, उस्ताद का एहतराम करो। अब आप इसमें से देखेंगे कि इसम क्या है, आप उसको इधर से खत कशीदा करेंगे, अलग करेंगे, यानी इसम उस्ताद है, तो आप इधर उस्ताद लिख देंगे। अब मैं बच्चों तमाम जुमले पढ़ूंगी, आप अपनी खुद सोच समझ कर कि इसमें क्या चीज़ इसम है, आप इसमें से अलग करके यहाँ लिखेंगे और अपनी कापी में भी नहायत खुशखत अंदाज में साफ तहरीर लिखेंगे और पेंसिल को शार्प करके करेंगे। अगर आप पेन से लिखते हैं तो उससे सफाई से काम करेंगे और कॉपी में बेहतरीन तहरीर से काम करेंगे।
किताब की जिल्द फट गई है। नंबर 4, बाप का अदब करो। नंबर 5, दरिया बहुत गहरा है। नंबर 6, मेरा कलम खो गया। नंबर 7, बस जल्दी आ गई। नंबर 8, अली खेल रहा है। बच्चों, मैंने आपको सब समझा दिया कि इसम क्या होता है। अब आप इन जुमलों में से इसम तलाश करेंगे और इधर हर जुमले के आगे लिखते जाएंगे और अपनी कॉपी में नहायत साफ तरीके से लिखेंगे और इंडेक्स में आप इसकी मश्क तहरीर करेंगे कि आपने कौन सी मश्क की है। इसम की तारीफ लिख रहे हैं तो इसम की तारीफ की भी इंडेक्स में मश्क के बारे में लिखेंगे। समझ आ गया बच्चों? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, इससे पहले भी मैं उर्दू कवायद के आपको बहुत सारे उनवाना समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको वो तमाम कवायद के उनवाना समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई उनवान समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको वीडियोस को देखकर और सुनकर समझ सकते हैं। आज बच्चों, हम जमा सोम के उर्दू कवायद का उनवान एराब पढ़ रहे हैं। एराब आप सब जानते हैं, एराब किसे कहते हैं? अरबी में भी आप एराब का इस्तेमाल करते हैं, यानी जेर, ज़बर, पेश वगैरह को एराब कहते हैं। बच्चों, एराब बदलने से मायने का बदल जाना। एराब आप जब किसी भी लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उनमें मायनों का बदल जाते हैं। मायने क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे सर है, सर के ऊपर हमने ज़बर लगाया है तो क्या बन गया है? सर। और यहीं पे सीन, रे, पेश, सुर, इसका क्या मायने भी चेंज हो गए हैं, यानी तब्दील हो गए हैं। यहाँ पे सर जो है जिस्म का एक हिस्से को बोलते हैं और सुर लय को बोलते हैं, जो किसी गाने या नगमे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एराब बदलने से मायने का बदल जाना। जैसे सर जिस्म का एक हिस्सा और सुर लय, सिर्फ तलफ्फुज के फ़र्क से मायने बदल गए हैं। क्या हो गए हैं? तलफ्फुज के फ़र्क से मायने बदल गए हैं। अब बच्चों, हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। एराब बदल के नए अल्फाज बनाइए और इनके जुमले भी बनाइए। अब यहाँ पर तमाम अल्फाज दिए गए हैं और उन पर मुख्तलिफ एराब भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे है पीर, पे ये ज़ेर, पे ये पी रे साकिन पीर, पे ये पी रे साकिन पीर हो गया है। और ये क्या है? पे ये ज़बर, पे ये ज़बर, पे रे साकिन पैर, पीर का। अब आप क्या जुमला बनाएंगे बच्चों? अब आप ये भी देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ज़ेर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर पैर पर ज़बर का इस्तेमाल किया है। पीर का हम जुमला बनाएंगे, पीर के दिन मैं अपने दोस्त के साथ बाग गया। पीर के दिन मैं अपनी सहेली के साथ बाग गई। पैर, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये है तैर। इस पे आप देख रहे होंगे हमने ज़बर का इस्तेमाल किया है तो ये तैर बन गया है। ते ये ज़बर, ते ये ज़बर, तैर रे साकिन तैर। और ये क्या है? तीर, इधर ज़ेर का इस्तेमाल किया है तो क्या बन गया है? ते ये ज़े, ते ये ज़बर, ते ये ज़े तीर रे साकिन तीर। ये तैर है और ये तीर है, ठीक है। तैर का जुमला बनाएंगे, बच्चा पानी में तैर रहा है। तीर, बच्चे तीर कमान से खेल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब अगले जुमले की तरफ हम बढ़ते हैं, अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। आप अब उनका खुद सोचकर अल्फाज बनाएंगे। पे लाम ज़बर पल, इसका दूसरा क्या बनेगा आप सोच के खुद बनाइएगा, फिर इसका यहाँ पे जुमले बनाइएगा। ये क्या है? काफ लाम ज़बर कल, इसका दूसरा लफ्ज़ बनाएंगे और उसका एराब का भी ख्याल रखेंगे।
सीन नून जबर सन, इसका दूसरा लफ्ज बनाएंगे, उसमें क्या चीज इस्तेमाल करेंगे कि लफ्ज तब्दील हो जाए। इसी तरह अल्फाज एराब बदलकर इनके जुमले बनाएंगे, ठीक है। ये तमाम इनके जुमले बनाएंगे जिस तरह मैंने इस मश्क को की है। बच्चों आप भी इसको इसी तरह नहायत बेहतरीन खुशखती के साथ आप इस मश्क को मुकम्मल करेंगे और आप अपनी कापी में बेहतरीन लिखाई के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछली जमात में मैंने आपको उनवान एराब के बारे में समझाया था, अब हम उसकी मश्क करते हैं। मंदरजा ज़ैल अल्फाज उनके दुरुस्त मायनों के साथ इस्तेमाल करें। अब पहला लफ्ज़ है धन, देख रहे हैं बच्चों आप, हमने दर ज़बर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर क्या है, धुन। बेल बैल, बेल पौधों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेल बना लगाई जाती है और वो भी बेल होती है जो हम कपड़ों वगैरह पे भी लगाते हैं। बेर और बैर, गन्ना गिन्ना, ठीक है बच्चों। अब आपको इनका समझ में आ गया होगा कि एराब इस्तेमाल करके लफ्ज़ों को तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी मश की तरफ बढ़ रहे हैं। शाकिर अपनी डैश में चला जा रहा था, शाकिर अपनी डैश में चला जा रहा था। अब हम इधर धन का मतलब होता है बच्चों, जैसे दौलत वगैरह होती है ना, कहते हैं कि धन दौलत है उसके पास, तो यहाँ पे धन इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर होगा इस्तेमाल धुन। यानी एक शख्स कोई काम कर रहा होता है तो उस पर यानी मगन होता है, तो उस वक्त हम ये कहते हैं ये धुन इस पे सवार है, यानी मगन है ये अपने काम में। शाकिर अपनी धुन में चला जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं वो शख्स इतनी डैश दौलत लेकर क्या करेगा। अब हम इधर क्या इस्तेमाल करेंगे, धन, ठीक है। पता नहीं वो शख्स इतनी धन दौलत लेकर क्या करेगा। बच्चों मैंने आपको यहाँ पे दो जुमले समझा दिए हैं, अब आप इन तमाम अल्फाज को बाकी खाली जगहों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको जुमले पढ़कर बता देती हूँ। वो डैश बहुत ख़तरनाक है, दुपट्टे पर खूबसूरत डैश लगी है, तुमने एक दूसरे को मारा, अब सुलह कर लो, दिल में डैश ना रखो, लो ये डैश खाओ, बहुत रसीले हैं। उसको कई बार रुपए डैश पड़े, दांत से डैश छील कर खाओ। बच्चों ये तमाम जुमले आप इन अल्फाजों से खाली जगहों को पुर करेंगे और बेहतरीन खुशखती के साथ आप इसका काम करेंगे। आप जिस तरह काम कर रहे हैं उससे बेहतरीन खुशखती चाहिए मुझे, और इन जुमलों को इसी तरह साफ सुथरे अंदाज में यानी तहरीर करके काम मुकम्मल करेंगे। और इनका और भी आप ऐसे अल्फाज तलाश करें जिनमें जेर जबर पेश लगाकर जुमले अल्फाजों को तब्दील किया जाता है, ठीक है। जो आज हम जमा सोम के उर्दू कवायद का उन्वान छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल पढ़ेंगे। बच्चों छोटी ये और बड़ी ये जब हरूफ के दरमियान में आते हैं तो इनकी शक्ल ये बन जाती है, मगर इनकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं। आम तौर पर छोटी ये ज़ेर और बड़ी ये ज़बर की आवाज़ में बनती है, जैसे मिसाल के तौर पर जी छोटी ये और ते। छोटी ये जब जहाँ इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर ई यानी ई की आवाज़ आती है, यानी जीत जीत बना। और जब मीम बड़ी ये और ज़े तो इधर ए की आवाज़ आएगी, मेज़, यानी छोटी ये में ई की और बड़ी ये में ए की आवाज़ आती है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जब छोटी ये और बड़ी ये हरूफ के दरमियान में आते हैं तो उनकी शक्ल ये हो जाती है। और अब हम बच्चों इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं।
बच्चों अब मश की तरफ चलते हैं। दिए गए अल्फाज को छोटी ये और बड़ी ये के दुरुस्त इस्तेमाल से मुकम्मल करें। पहला अल्फाज है चीज़। अब बच्चों अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है, छोटी ये की। बच्चों अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, छोटी ये यानी चीज़, छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, चे छोटी ये और जे यानी चीज़। अब दूसरा अल्फाज है चील। देखिए ई का साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो हम भी यहाँ पर किसकी इस्तेमाल करेंगे, छोटी ये का इस्तेमाल करेंगे। चे छोटी ये और ला चील। अब अगला अल्फाज है खेल। अब आप इसी तरह बच्चों इन अल्फाज में छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल करके इस मश्क को मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ पर है लफ्ज़ खेल, खे बड़ी ये और ला। देखिए खे एक आवाज़ आ रही है तो खेल लिखा जाएगा, यानी खे बड़ी ये और ला खेल। अब अगला लफ्ज़ है जीत। अब यहाँ पर भी आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी, छोटी ये का इस्तेमाल करना है। अगला लफ्ज़ है मेज़। अब यहाँ पर भी आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कौन सी ये इस्तेमाल की गई है। पीर, पीर भी पढ़ सकते हैं और पैर भी, लेकिन इधर ज़बर और ज़ेर नहीं लगा हुआ तो आप इसको पैर पढ़ लें, पे ये रे। तो यहाँ पर बड़ी ये का इस्तेमाल हो रहा है और ये है लफ्ज़ कील। अब समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर भी छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है, कील। ई की आवाज़ आ रही है तो छोटी ये इस्तेमाल होगा। रेत, यहाँ पर बड़ी ये का इस्तेमाल हो रहा है तो लफ्ज़ क्या बन रहा है, रेत। एक की आवाज़ आ रही है तो रेत बनेगा। अब मैंने आपको ये तमाम अल्फाज का समझा दिया है कि यहाँ पर कौन सी ये इस्तेमाल होगी। आप इस मश्क को अपनी कापी में बेहतरीन खुशखती के साथ मुकम्मल करेंगे और छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल करके बार बार इसकी मश्क करेंगे।